वापी पर आज आने वाले सबसे बड़े फैसले की। शिव भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज ज्ञानवापी मामले में एक अहम फैसला आ सकता है। वाराणसी कोर्ट आज शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग या फिर किसी वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच करने पर फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को असली शिवलिंग होने का दावा किया है और साथ ही इसकी जांच के लिए कार्बन डेटिंग या फिर इसी तरह के किसी वैज्ञानिक जांच की मांग की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में छुपा कर रखा हुआ है और उसे फव्वारा बता रहे हैं, जबकि ये महादेव का शिवलिंग है। सर्वे में शिवलिंग के सामने आने के बाद से ही पूरे वजू खाने को सील कर दिया गया था। आज शुक्रवार का भी दिन है, जुमे का दिन है, इसीलिए सुनवाई को लेकर बीती रात से ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और आज ही वाराणसी जिला अदालत में ये फैसला आना है कि आखिर कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जाती है या नहीं। तो हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक अगर आज कार्बन डेटिंग की जांच का फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आता है तो सदियों पुराने इस विवाद के हल की ओर एक बड़ा कदम होगा। हम लोगों ने कहा था कि एक साइंटिफिक टेस्ट आप जांच करवा लें, वैज्ञानिक जांच जो भी उचित हो संभव हो। उस शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है कमीशन के दौरान, उस शिवलिंग का कहीं किसी प्रकार का नुकसान न हो, बिना उसको क्षतिग्रस्त किए, बिना उस आस्था आराध्य के प्रति जो आस्था है वो आस्था कहीं चोटिल न हो, इसको बचाते हुए जो भी वैज्ञानिक विधि हो जांच कर लें और जांच करने के बाद जो है ये निश्चित हो जाए। जो भ्रम देश में फैला है कि ये फव्वारा है, कोई कह रहा है कि जो है शिवलिंग है, हम कह रहे हैं शिवलिंग और तमाम लोग, तो ये जो फव्वारा और शिवलिंग का जो भ्रम है ये समाप्त हो जाए इस देश के सामने। इसलिए हम लोगों ने कहा कि माननीय न्यायालय से कहा कि आप इसकी जांच करवा लें। और चलो इस पूरे फैसले पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपको सीधा ज्ञानवापी लिए चलते हैं जहां से हमारे साथ सहयोगी राकेश पांडे जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए अगर आज कोई बड़ा फैसला आता है तो हिंदू पक्ष को उम्मीद होगी कि उनके पक्ष में ये तीसरा बड़ा पड़ाव है जो पार हो जाए। ऐसे में फैसले पर तो हमारी नजर टिकी हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्बन डेटिंग पर फैसला आना है और इसे लेकर एक बड़ा पहलू ये है कि कार्बन डेटिंग उन वस्तुओं का या चीजों का किया जाता है जो जीवित रहे हों या फिर जो कार्बन अब्सॉर्ब किए गए हों। ऐसे में बड़ी दलील ये दी जा रही है कि इस आकृति नुमा, ये जो शिवलिंग नुमा आकृति है, इसकी कार्बन डेटिंग की इजाजत मिल पाएगी या नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त ज्ञानवापी परिसर के पास है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास है और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं इससे पहले कि मैं जो आपने बातें कही मैं उस पर आऊं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ दरबार में भव्य कॉरिडोर और उस कॉरिडोर के जरिए लोग जाते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। अब देखिए जो बातें आपने कही, पहले आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से पुख्ता है, क्योंकि आज आपको पता है कि शुक्रवार भी है, जुमे की नमाज भी होती है, लिहाजा बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों की तैनाती और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की तैनाती भी है। और आप सामने देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4 और गेट नंबर 4 के पास भगवान शिव का त्रिशूल, जिस त्रिशूल पर माना जाता है कि इसी पर काशी नगरी विराजती है और इसीलिए काशी नगरी अक्षय रही है, काशी नगरी हमेशा से अस्तित्व में रही है और वेदों पुराणों में भी काशी नगरी का जिक्र मिलता है। एक अलग नगरी जहां स्वयं भगवान शिव हर कण कण में विराजते हैं। अब जो बातें आपने जिक्र किया, देखिए कार्बन डेटिंग को लेकर जरूर फैसला आना है, लेकिन एक और शब्द उसमें जोड़ा गया है याचिका में कि कार्बन डेटिंग या फिर अन्य विधियों से, अगर किसी अन्य विधि से भी, आपने ठीक कहा कि कोई जीवित वस्तु रही हो या फिर कभी वहां पर कोई पौधे रहे हो, फूल वगैरह पूजा पाठ होती रही हो, इसके जरिए कार्बन डेटिंग जरूर हो सकती है, लेकिन उसमें एक और शब्द जोड़ा गया है कि अन्य विधियों के जरिए भी अगर पता लगाया जा सकता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाए। यानी सीधे तौर पर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इसमें एंट्री हो जाए। आप देखिए काशी विश्वनाथ परिसर का गेट नंबर 4 और ठीक बगल में मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये ज्ञानवापी परिसर का ये पूरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है जहां पर पूरा विवाद, और ये माना जाता है कि जब आप अंदर जाएंगी तो जो नंदी विराजित है, नंदी का मुख
ज्ञानवापी की ओर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि नंदी का इंतजार कब समाप्त होगा और अंदर माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर, और शुरुआती जो याचिका थी वो माँ श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन पाठन को लेकर भी हुई थी। कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आने वाला है। आप लोगों को लगता है कि इससे एएसआई का सर्वे का मार्ग प्रशस्त होगा और इससे जो नंदी का इंतजार है वो समाप्त होगा, वो काउंटडाउन एक तरीके से और तेजी से आगे बढ़ेगा? जी जरूर। समाज लोक में भी कहा जाता है साच को आज किस बात की, तो जो यथार्थ है वो जो भी नई तकनीकें हैं, कार्बन डेटिंग की बात हो रही है, तो वो चीजें हो जाए और जल्द से जल्द बाबा के पास हम सभी भक्त पहुंचे, उनकी पूजा अर्चना करें। हम सबों की यही अभिलाषा है कि जो इतने सालों से बंद है, जितने सालों से बंद, हम चाहते खुल जाए और सब लोग पूजा खुल जाए, अंदर जाकर जो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वहाँ पर जाकर आप पूजा पाठ करें। या अभी आप कहाँ पूजा पाठ करके आ गई, अंदर दर्शन करके? 99 से आ रहा है मंदिर, 99 से जी। तो हम तो चाहेंगे मेरे बाबा खुल जाए और सब लोग पूजा करें उनका। आप कहाँ से आ रहे हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर से ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिव जी है ना, कैद हुए ना, वो जल्द से जल्द मुक्त हो जाए, बाद में हम उनका दर्शन करेंगे। क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग है ना, वो पुराना शिवलिंग, वो पहले बाहर आना चाहिए, सभी भक्तों को उनका दर्शन होना चाहिए। आपको लगता है कि जल्दी कोर्ट इस बात की इजाजत दे देगा? इजाजत दे देगा, जब तक अपना मोदी जी का सरकार है ना, जब तक जल्दी हो जाएगा सर। आप देखिए, ये आस्था है, और एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप सत्येंद्र आपको तस्वीरें दिखाते रहें, और इसके बाद मैं ये भी जिक्र करूं कि देखिए, जब हम किसी बात को पुख्ता करना होता है तो हम वेद पुराणों में जाते हैं, जब आस्था से जुड़ी बातचीत आती है तो स्कंद पुराण अगर आप पढ़िए, और स्कंद पुराण के काशी खंड में इस बात का वर्णन है। काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 और 39वां जो श्लोक है वो ज्ञानवापी के महात्म्य पर है, और उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्ञानवापी का निर्माण किया था, और यहाँ पर माँ पार्वती को भी उन्होंने ज्ञान दिया था, और तब से यह ज्ञानवापी अस्तित्व में है और वेदों पुराणों में बाकायदा इस ज्ञानवापी का जिक्र मिलता है। और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ दरबार में यह कहा जाता है कि चूंकि वहां पर अन्य देवी देवताओं के भी विग्रह हैं उस दरबार में मौजूद हैं, और यही वजह है कि जो वीडियो सर्वे हुआ था उस वीडियो सर्वे में माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर अंदर त्रिशूल के निशान, अंदर देवी देवताओं के निशान दीवारों पर मिले थे, और यही वजह है कि अब लगातार हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एंट्री होनी चाहिए, और वो बाकायदा अगर कार्बन डेटिंग संभव है तो। इसीलिए आज हिंदू पक्ष के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत अहम दिन हो जाता है राकेश। ऐसे में सबकी नजरें आज अदालत से आने वाले फैसले पर टिकी होंगी कि क्या उनके पक्ष में आज फिर ये तीसरे पड़ाव का अहम फैसला आता है या नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हिंदू पक्षकार वजूखाने से मिली आकृति के लिए कार्बन डेटिंग या फिर किसी और वैज्ञानिक विधि से पड़ताल की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में शिवलिंग यानी कि वो जो आकृति मिली है वो खंडित नहीं होनी चाहिए जो वजूखाने के अंदर मौजूद है। हर देशवासी के मन में ये सवाल है, ये डाउट है कि कार्बन डेटिंग होता क्या है और इससे होगा क्या, तो चलिए इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। कार्बन डेटिंग दरअसल एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी चीज कितनी पुरानी है इसका पता लगाया जाता है। इसकी परिभाषा पर आएं तो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जो कार्बन बेस्ड चीजें यानी कि कार्बनिक पदार्थों की अनुमानित उम्र के बारे में बताती है। कोई पुरातात्विक खोज की जाती है या वर्षों पुरानी कोई मूर्ति मिल जाती है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कितने सालों पुरानी है? जवाब है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का वो विधि जिसकी सहायता से उस वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कार्बन डेटिंग, हमने आपको बताया कि किस तरह से वस्तु में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो आइसोटोप्स बताए जाते हैं, C14 जिसे बोला जाता है, उसकी उम्र मापी जाती है और उससे ये पता चल जाता है कि ये जो वस्तु है ये कितने साल पुरानी है। बहरहाल आज इसी कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना है, लेकिन जो एक बड़ा डाउट हिंदू पक्ष के मन में है वो ये कि कहीं इस प्रक्रिया में जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है वो किसी भी तरह से उसे क्षति ना पहुंचे, डैमेज ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखने की बात कही गई है। बहरहाल राकेश हमारे साथ लगातार मौजूद है। राकेश देखिए, लगातार आप लोगों से भी बात कर रहे हैं, इससे पहले दो अहम फैसले कोर्ट ने सुनाए और दोनों ही वो पड़ाव पार कराते हैं जो नंदी का इंतजार धीरे धीरे खत्म करवा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के बेहद करीब लेते जा रहे हैं। तो आज लोगों को क्या उम्मीद है कि क्या ये तीसरा अहम पड़ाव भी पार होगा, कार्बन डेटिंग या किसी भी तरह की साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया की परमिशन कोर्ट द्वारा दिए जाने की कितनी उम्मीद लोगों को नजर आ रही है?
देखिए लोगों को तो उम्मीद है, और जब से ये पूरा विवाद हुआ, जब से कोर्ट में ये पूरा मामला गया, जब से हिंदू पक्ष ने अपना दावा किया और ये कहा कि यहाँ पर नंदी का इंतजार समाप्त होना चाहिए, भगवान शिव की वहां पर पूजा करने की इजाजत मिले। आज आपको ये भी बता दूं कि एक और बैठक आज होने वाली है और उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा कि इस बात पर मंथन किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। इस बात पर भी मंथन होगा कि कोर्ट के फैसले के दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे किस तरीके से इस मामले को लेकर जाया जाए। लेकिन हाँ, काशी में आप जहां भी जाइए, लोगों से बातचीत करिए, तो लोगों के मन में ये आशा तो जगती है कि चूंकि यहाँ पर कड़कड़ में भगवान शिव विराजते हैं, ये पूरा मामला अब खुलकर सामने आ चुका है, तो इस पूरे मामले पर अब ठोस नतीजा आएगा और नंदी का इंतजार जो है वो समाप्त होगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तो गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से आ रहे हैं? हाँ। बाबा के दर्शन हो गए? नहीं नहीं, अभी नहीं हुए हैं। आपको लगता है कि अब जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट जिस तरीके से इस मामले को देख रहा है, जो नंदी का इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल 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 सर, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उम्मीद है ऐसा हो जाए। आप चाहते हैं कि जो शिवलिंग मिलने का जहाँ पर दावा किया गया है वहाँ पर पूजा पाठ करने की इजाजत मिले? बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धा और सबको, दोनों को मतलब बराबर तुलना से देखना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास दोनों में रखना चाहिए। ऐसा ना हम कहेंगे कि सर कि मतलब कि हमारा एक व्यक्तित्व कोई पर्सनल चीज है, नहीं। जैसा कि मतलब दोनों समाज को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि भाई शांति और समृद्धि से मतलब उसका निस्तारण हो सके, और कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं दूर दूर से यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें भेजते रहिएगा, हम अपडेट्स भी दिन भर आपसे लेते रहेंगे। आप खुद ज्ञानवापी में मौजूद हैं और वहाँ का सूरत हाल इस वक्त हम लाइव अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं, और अब इस वक्त एक बड़ी खबर कर्नाटक के बीदर से।